हेलो वेलकम, मैं हूं इमरान और आपका हमारे और आप सबके लर्निंग जंक्शन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम किसी को जीमेल से अगर मेल हम भेज चुके हैं तो उसको हम कैसे अंडू करेंगे। मतलब होता ये है कि हम मेल अच्छी तरह से लिखे नहीं होते हैं, मतलब राइट नहीं कर पाते हैं, और गलती से अगर सेंड पर क्लिक हो गया तो हमारा मेल सेंड हो जाता है। लेकिन सेंड होने के बाद अगर हम चाहें तो उस मेल को कैसे हम वापस लेंगे, मतलब कैसे अंडू करेंगे, हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि मेल में अगर हम कंपोज पर क्लिक करते हैं और अगर हम सेंड पर क्लिक कर दें तो वो मेल सेंड हो जाता है और वापस नहीं आता है। लेकिन अगर हम चाहें तो उस मेल को अंडू कर सकते हैं, मतलब हम उसे वापस ले सकते हैं, कुछ सेकंड का हमें टाइम मिल जाता है। तो इसे हम कैसे इनेबल करेंगे, चलिए हम देख लेते हैं और उसके बाद से हम एक ट्रायल करके भी देखेंगे। तो चलिए हम इसे बंद करते हैं और इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग में आकर आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप जनरल टैब में ही रहें और नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद से आपको यहाँ पर दिख जाएगा अंडू सेंड। अंडू सेंड में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपको ड्यूरेशन सेट कर लेना होगा कि कितने सेकंड का अंदर आप इस मेल को अंडू कर पाएंगे, मतलब वापस आप ले पाएंगे। तो हम इसे 30 सेकंड रखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आकर सेव पर क्लिक कर देते हैं। तो आप भी सेव चेंज कर लें और उसके बाद चलिए हम एक मेल भेजकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोज पर क्लिक करते हैं और कंपोज पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर एक मेल भेजकर ट्रायल करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर टेस्ट 1 2 3 4 लिखते हैं और यहाँ पर मेल में हम कुछ भी ऐसे ही हम टाइप कर देते हैं और टाइप करने के बाद हम इसे सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंडू का एक ऑप्शन आ रहा है, मतलब ये मैसेज हम भेज चुके हैं लेकिन हमें 30 सेकंड का टाइम है हमारे पास इस मैसेज को वापस लेने का। तो अगर हम इस अंडू पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा मैसेज जो हम भेजे थे वो अंडू होके फिर वापस हमें इसमें आ गया, इस टैब में एडिट करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो फिर इसे सही करके फिर दोबारा आप भेज सकते हैं। तो हमें 30 सेकंड का टाइम मिलता है अगर आप चाहें गलती से कोई एसएमएस भेजे हैं उसको वापस लेने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके साथ अगर गलती से कभी कभी अगर ऐसा हो जाता है और ऑफिशियल मेल करते हैं तो आपका इंप्रेशन ना खराब हो, तो आप इसे एनेबल कर लें ताकि अगर गलती से एक सेंड पर क्लिक हो जाए तो आप वापस उस मेल को लेकर फिर उसमें एडिट करके दोबारा सेंड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें इस तरह के दूसरे वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इस तरह के दूसरे वीडियो में।